प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश बीआर पाटिल के मुख्य अतिथित्व में विवेक सिंह रघुवंशी एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर की अध्यक्षता चारुलता दांगी, न्यायाधीश वर्ग एक महेंद्र सिंह सैनी, न्यायाधीश वर्ग दो एवं तहसीलदार रंजना पाटीदार के विशेष अतिथित्व में संपन्न हुई। 47 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन के भूमि पूजन के दौरान श्री पाटिल ने कहा कि यहां बार एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में भी प्रयास किए जाएंगे। बार के सदस्यों के लिए कक्ष एवं अन्य सुविधाओं की बात माननीय उच्च न्यायालय तक भिजवाई जाएगी। यहाँ आगामी सत्र में 3 और न्यायालयों की स्थापना होने जा रही है। न्यायालय के नए भवन का प्रस्ताव भी पास हो गया है, जो जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। इस दौरान श्री रघुवंशी ने कहा कि भवन बनने के साथ ही उसकी उपयोगिता सिद्ध होना चाहिए। यहाँ आने वाले पक्षकारों को आपसी सामंजस्य प्रकरण निकले, अधिक से अधिक इसकी संख्या हो, तब इस भवन के बनने का लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ण होगी। स्वागत भाषण न्यायाधीश चारुलता दांगी ने दिया। संचालन एडवोकेट कृष्णचंद सोहानी, आभार न्यायाधीश महेंद्र सैनी ने व्यक्त किया। इस दौरान वकील एवं आम नागरिक मौजूद रहे। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फावड़े से उसको 5 बार थोड़ा बाहर निकाल, मिट्टी को बाहर कर। का उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उसका डीपीआर हम यहाँ बना के भेज रहे हैं। यहाँ से डीपीआर भी तैयार करा के बना के भेज के निवास के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही है, बहुत पुराने समय से भी काफ़ी दिक्कतें रही हैं। तो तहसीलदार मैडम और प्रशासन के सहयोग से हमने प्रयास किया कि करीब 3 एकड़ में 5 एकड़ करीब 5 एकड़ जमीन का आवंटन हमारा यहाँ पर हो चुका है। उसका ऑर्डर भी फाइनल हो गया है और उम्मीद है कि वहाँ पर न्यायाधीशों के आवास उत्पन्न करना, ताकि दोनों पक्षकार जो है अपने आप को जब विवाद के निराकरण के पश्चात पाएं तो दोनों विन विन की पोजीशन में रहें। एरिया सेंटर में जो प्रोविज़न रखे गए हैं उसमें जो मेडिसिन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें जो होता है कभी जॉइंट सेशन होते हैं, फिर सेपरेट सेशंस होते हैं और फिर बाद में जो आगे की कार्रवाई जब मेडिसिन की होती है तो उसमें जो विवाद है विवाद को समझने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद में कोशिश की जाती है कि सबसे पहले कोशिश की जाती है कि पक्षकार ही अपना जो है डिस्प्यूट जो है वो उसका कोई समाधान या कोई तरीका बताए और फिर जो मीडिएटर जो होता है उसमें